हे गाइस, वेलकम टू शॉर्ट्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम पांच सिनोनिम करेंगे जिनके चार ऑप्शन दिए होंगे, तो इस हिसाब से लगभग हम यहां से 25 वर्ड्स सीखेंगे इस वीडियो से। तो इस वीडियो में बने रहें। पहला वर्ड है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ कोई एक्यूरेट होती है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा सटीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रेसाइज है। तो यहाँ से प्रेसाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रेसाइज इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्यूरेट का मतलब प्रेसाइज होता है, और इसका हम एकदम राइट भी कह सकते हैं, हम इसे राइट भी कह सकते हैं। अब इस तरीके से देखा जाए, अब पहला ऑप्शन है हमारा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी को डिनाउंस करना, किसी को कंडेम करना, किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, ये होता है इसका मतलब। अब इनवैलिड का मतलब होता है कि जो चीज़ वैलिड नहीं है, जो अब ऑब्सोलीट हो सकी है, जो अब यूज़ में नहीं है, उसे इनवैलिड कहते हैं। प्रेसाइज तो ये एक्यूरेट है इसका। एंड पनिश, पनिश का मतलब होता है किसी को सज़ा देना, जैसे कि कोर्ट पनिश करता है कल्प्रिट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है अपना लैकोनिक। लैकोनिक के ऑप्शन ये रहे। लैकोनिक का मतलब होता है कि अगर कुछ चीज़ लैकोनिक है, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में है, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा खुल के नहीं बताया गया, जैसे मतलब ये ब्रीफ है इसका आंसर लैकोनिक का, और ब्रीफ करके उसे बिल्कुल बताया गया है, तो वो होता है लैकोनिक। इसका दूसरा ऑप्शन है प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गर्व करना, जैसे कि कुछ लोग अपने ऊपर गर्व करते हैं। और अगला अगला ऑप्शन है डिले। डिले का मतलब होता है देरी, देरी होता है डिले का मतलब। यहाँ डिले भी इसका सही आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद एंगर, एंगर का मतलब सबको पता है, गुस्सा होता है। नेक्स्ट वर्ड है कैटेस्ट्रॉफ। कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है जैसे कोई तबाही होती है ना, उसे कहते हैं कैटेस्ट्रॉफ। इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है कि CATASTROPHE। यहाँ पे ई कई बार नहीं देता ऑप्शन में, और फिर यहाँ कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, तो मतलब यहाँ पे ई आता है लास्ट में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ड्स के अंदर। पहले इसका ऑप्शन का मतलब है ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है हर्डल, मतलब कोई अड़चन होती है उसे ऑब्स्टेकल कहते हैं। कैटास्ट्रोफ से इसका कोई मतलब नहीं है। हार्मफुल होता है कुछ चीज़ जो परनीशियस है, परनीशियस, उसे हार्मफुल कहते हैं। डिज़ास्टर, डिज़ास्टर का मतलब भी आपदा होता है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं। अगला ऑप्शन है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है जो जो अकड़ू किस्म का व्यक्ति होता है, उसे एरोगेंट पर्सन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अगर हम निंदा, निंदा इसका मतलब, अगर हम किसी को निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसका कंडेम कर रहे हैं, उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये डिनाउंस, जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है डिनाउंस, ये इसका सिनोनिम है। डिनाउंस, कंडेम और क्रिटिसाइज, ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं। बाकी का देख ले, करेक्ट का तो पता ही है, अभी पीछे भी आया था। करेक्ट का मतलब होता है प्रेसाइज, एक्यूरेट। प्रिटेंड का मतलब पता ही है, जो प्रिटेंड करता है, जो वो होता नहीं है, उसके लिए वो प्रिटेंड करता है कि मैं ये हूँ, मतलब कि इसे एक तरह से हम हिपोक्रेट कह सकते हैं। हर्डल, अगला ऑप्शन है हमारा हर्डल। हर्डल को मतलब ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल, ये बाधा कहते हैं जिसे। अगला वर्ड है हमारा इरोनियस। इरोनियस वर्ड है, इसमें ये एरर से बना है। ये वर्ड आता है ना कई बार सेंटेंस कि इसमें से एरोनियस पार्ट निकालो, तो इसका मतलब होता है रॉन्ग पार्ट, जो पार्ट गलत है, जिसमें कुछ गलती है, उस पार्ट को निकालो, इसका आंसर है रॉन्ग। और बाकी ऑप्शन है मैसिव। मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, जो मतलब बड़े स्केल पे होता है, ऑन लार्ज स्केल। ब्रिस्क का मतलब होता है जल्दी जल्दी, और ड्रैग का मतलब होता है खींचना, किसी चीज़ को पुल करना। ठीक है गाइस।